गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता था कि हमने लास्ट लेक्चर में बोर के परमाणु प्रतिरूप का अध्ययन किया था, जिसमें हमने बोर की तीन परिकल्पनाओं का अध्ययन किया था। और मैंने आपको कहा था कि इस मॉडल पर बेस 5 डेरिवेशंस हैं, जिनमें से पहला डेरिवेशन जो लिखा हुआ है, जिसे हम कल डिस्कस कर चुके थे, nवें कक्ष की त्रिज्या जो हमने निकलवाई है, Rn बराबर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर पाई m z स्क्वायर। ठीक है, अब इसी में हम आगे बढ़ते हुए बताते हैं आपको कि बोर का जो मॉडल था वो मोनोएटॉमिक, यानी कि हाइड्रोजन जैसे नाभिकों के लिए ही क्या रहा, हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए ही क्या रहता है, उपयुक्त रहता है। तो हमें सारी जो गणनाएं इस चैप्टर में करनी है वो हाइड्रोजन परमाणु के लिए करनी है। तो देखिए, ये जो डेरिवेशन हमने कल जो किया था यहां तक, इससे ही आगे बढ़ना है। यानी ये जो निकाला था वो आपने nवें कक्ष की त्रिज्या निकाली थी किसी भी परमाणु के लिए, लेकिन जो बोर का मॉडल है वो केवल हाइड्रोजन के लिए उपयुक्त है। तो हम हाइड्रोजन परमाणु की बात करेंगे H एटम के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो मैं बता दूं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड यानी कि परमाणु क्रमांक होता है 1। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन सबसे पहले है। तो आर एम बराबर क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम, जेड की जगह 1 हो जाएगा, ई स्क्वायर। अब इन सबके मान रखते हैं, एप्सिलॉन नॉट को हम निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, इसको हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, और इसका जो मान है वो फिक्स है 8.85 × 10^-12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको ये याद रखना है। और एच प्लैंक कांस्टेंट है, ये आपने पढ़ा है, 6.62 × 10^-34 किसी की बुक में ये किसी की बुक में आपका 6.63 भी है। तो कैलकुलेशन के लिए तो मैं 6.6 ही ले लेता हूं। पाई हम जानते हैं 22.7 होता है, सॉरी 3.14 होता है, या 22/7 होता है। एम यहां द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10^-31 किलोग्राम। ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, 1.6 × −19 कूलाम। अब आप ये सब वैल्यूज रखेंगे इसमें, ये सब मान आप इसमें रखेंगे, आर एन बराबर 8.85 × 10^-12, एन स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही, 6.6 × 10^-34 का क्या स्क्वायर, पाई के लिए 3.14, एन की जगह 9.1 × 10^-31, और ई की जगह 1.6 × 10^-19 का स्क्वायर। ये सब सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब आप जानते हैं 10^-10 मीटर की। और ये मैंने आपको जब परमाणु का प्रतिरूप रदरफोर्ड का बताया था, तब इस बारे में कहा था मैंने कि ये जो त्रिज्या होती है 10^-10 मीटर की कोटि की होती है। ये आपको बेटर डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि कौन तो इसको सॉल्व करेगा। वैसे आपने ये पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, आपने ये पढ़ा होगा, 5.3 पढ़ लिया होगा, 0.53 पढ़ लिया होगा, है ना। और जैसे और चलेगी अब इसमें, जैसे और देखते हैं, एन बराबर प्रथम कक्षा, n बराबर 1 होगी प्रथम कक्षा में, n बराबर 1 रख दीजिए,
तो आर वन बराबर कितना आया 0.529 एंगस्ट्रॉम। द्वितीय कक्षा की बात चलेगी, एन बराबर कितना रखेंगे 2, तो आर टू बराबर कितना आया 0.529 तो आएगा, एन स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 0.529 इंटू क्या आएगा 4 एंगस्ट्रॉम में। और फिर तृतीय कक्षा की बात करेंगे, एन बराबर 3 तो आर 3 बराबर क्या आएगा 0.529 इंटू क्या आएगा 9 एंगस्ट्रॉम। तो आप देख रहे हैं आर 1 अनुपात, आर 2 अनुपात, आर 3 एक अनुपात, 4 अनुपात 9 आएगा, करके देख लीजिए भैया। एक बार बोर्ड एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आया था कि सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रथम द्वितीय एवं तृतीय कक्ष की त्रिज्याओं का अनुपात 1:4:9 होता है। तो ये बहुत ठीक था, ऐसे ही करना था, लेकिन कई बार बच्चों ने स्टार्ट वहां से किया आर एन बराबर से, ये शुरू से ही स्टार्ट करना है एनवे कक्ष की त्रिज्या से। 3 नंबर से कम में तो आता ही नहीं है क्वेश्चन, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन टेलीविजन आता 3 नंबर से कम में नहीं आता। अच्छा, आप एक बात देख रहे होंगे कि आर एन बराबर आप सीधा लिख सकते हैं, जैसे अगर आर एन लिखना हो आपको, आर एन बराबर तो क्या लिखोगे, जो भी एन स्क्वायर हो, जो भी एन हो उसमें आर वन का मल्टीप्लाई करो। देख लो आप, आर वन तो 5:9 सब में आ ही रहा है, एन स्क्वायर कर लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा आर एन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये प्रथम डेरिवेशन था बोर के परमाणु प्रतिरूप पर। अब हम द्वितीय की बात करते हैं, दूसरे डेरिवेशन की बात करते हैं। दूसरा है nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग, nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग, वही आपकी पहली बोर की प्रथम परिकल्पना, बोर की पहली परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाने के लिए पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य कारक कूलाम के आकर्षण बल से प्राप्त होता है। एम वी एन स्क्वायर अपॉन आर एन बराबर के जेड स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर, आर एन से आर एन कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा एम वी एन स्क्वायर बराबर के जेड स्क्वायर अपॉन आर एन, ये समीकरण नंबर 1 है। इसी तरीके से बोर की दूसरी परिकल्पना, बोर की दूसरी परिकल्पना क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान h अपॉन 2 पाई का पूर्णांक हो, तो ये हो जाएगा nh अपॉन 2 पाई, ये समीकरण नंबर 2। दिमाग में रखिए आपको निकालना क्या है, आपको vn निकालना है, भाग लगा दो एक में दो से, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर दीजिए एम वी एन स्क्वायर बटे एम वी एन आर एन बराबर के जेड स्क्वायर अपॉन आर एन इंटू एन एच अपॉन 2 पर, एम से एम कैंसिल, वी एन से वी एन कैंसिल, आर एन से आर एन कैंसिल, देख लीजिए कितनी आसान कैलकुलेशन हो गई, वी एन बराबर के जेड स्क्वायर 2 पाई एनएच, ठीक है। अब एक बात और सोचिए, मेरे सुनिए, वो ये कि के का मान मैंने आपको बताया था कल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने 11th क्लास में बताया था, ये ग्रीक शब्द है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब रखते हैं इसमें मान,
तो Vn बराबर क्या आया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर 2 पाई NH, और 2 पाई से ये दो बार कट जाएगा, तो Vn बराबर क्या आया, ZE स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट NH, ठीक है। और हमारी कैलकुलेशन तो H एटम के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, और हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो आप जानते हैं ना क्या Z बराबर क्या होता है, 1, तो Vn बराबर क्या आएगा, E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH, ये आएगा सर nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन का पीक। अब वही पहले की तरह मान रखिए आप, इसमें ये तीसरा समीकरण होगा आपका। आपके पास अगर कोई और तरीका हो इसे करने का तो आप उसे भी लगा सकते हैं, बट ये सबसे सिंपलेस्ट वे है, ये ध्यान रखिएगा। और आप जो कहे सर ये बात तो हमें पहले ही बता दी, इसके बराबर होती है, हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो लिखने को तो देखो आप लिख सकते हो, बट इट्स अ गुड इंप्रेशन, ये एक अच्छा इंप्रेशन डालेगा अगर आप शुरुआत में हर चीज को एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। और मैं ये चाहता हूं कि कोई भी डेरिवेशन अगर आप करें तो उसे शुरू से ही करें, ताकि सारी डाटा आपके पास हो। आपको हमने सब बोल की पहली परिकल्पना पता थी, दूसरी परिकल्पना पता थी, सीधे लिख दे। लैंग्वेज का तो मैं कह ही नहीं रहा कि आप लैंग्वेज ज्यादा लिखो, बट कोशिश ये कीजिए कि ज्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सके अपने डेरिवेशन को, ठीक है। डेरिवेशन को करने से पहले ये बात ध्यान रखिए, कई बार बुक में क्या होता है डेरिवेशन शॉर्ट में कर दिए जाते हैं, तो बुक वाला तो ये कहता है एज वी डिस्कस कर लिया, जैसा हम पहले पढ़ चुके, लेकिन जब हम एग्जामिनर को कोई चीज बताते हैं तो आप ये मान लीजिए एग्जामिनर को कुछ भी नहीं आता है, आपको सब चीज उसको समझानी है। इसीलिए थोड़ा ध्यान से डेरिवेशनों को ध्यान पूर्वक करिए, और मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि अब ये सारा चैप्टर डेरिवेशन बेस्ड चलेगा, और मेहनत कीजिए इसमें और लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको याद होंगे। आगे देखिए, अब वही जैसे पहले अभी कैलकुलेशन की थी, प्रथम कक्षा द्वितीय कक्षा उसके लिए देखिए, n बराबर 1 के लिए v1 हो जाएगा, e स्क्वायर हो जाएगा नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कीजिए पहले आप उसमें मान रखिए, पहले n के लिए निकालिए। चलिए e बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, एप्सिलॉन नॉट बराबर −12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, H बराबर हम जानते हैं 6.6 × 10⁻¹⁴ जूल सेकेंड, तो Vn बराबर E की जगह रखेंगे 1.6 × 10⁻¹⁹ का स्क्वायर नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 × 10⁻¹² n, और H की जगह 6.6 × 10⁻¹⁴, और ये निकल के आएगा Vn बराबर 2.18 × 10⁶ अपॉन n मीटर पर सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉन का वेग है, n बराबर 1 के लिए निकालेंगे तो V1 बराबर आएगा आपका 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, n बराबर 2 के लिए निकालेंगे तो 2.18 × 10⁶ में आप 2 का भाग दीजिए, 2 × 2.09, इसको जल्दी जल्दी है बच्चे, 2 × 2 = 18, 1.9 लिख जाते हैं, गलती मत करना, ये बहुत सिली सी मिस्टेक है बच्चे कर देते हैं। n बराबर 3 के लिए करेंगे, V3 बराबर 3 का भाग लगाइए, 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6, फिर तो 6 आता रहेगा, 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि Vn लिखना है तो Vn बराबर आप खाली V1 अपॉन n लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन n, तो V1 तो फिक्स है ही है सब में, खाली इसे लिख सकते हैं। तो ये nवें कक्ष की वेग का समीकरण था, nवें कक्ष की त्रिज्या हो गई, nवें कक्ष का वेग हो गया, दो डेरिवेशन आपके इस चैप्टर से रिलेटेड हो गए, और इसको जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतना कीजिए। और मैं फिर कहता हूं डेरिवेशन की वीडियो को सेवरल टाइम्स आप देखिए तो ज्यादा अच्छा इंपैक्ट और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा।
ओके तो कल जो हमारा डेरिवेशन रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से संबंधित रहेंगे, चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा संबंधित, वो भी काफी बड़ा डेरिवेशन है तो उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है, कल हम इससे आगे बात करेंगे।